के दिन है कि हम आप फिर आपसे मिले हैं, और अब तक जितने दिन हम यहाँ रहे हैं वो सुख और वो आनंद उसका वर्णन हम कर नहीं सकते वाणी द्वारा। कि जो आपने आनंद दिया है, भगवान करे आप हमेशा ही ऐसे आनंद में रहेंगे, और जितना मुझे आनंद दिया है उसे कई गुना अधिक आनंद आप प्राप्त करेंगे। प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि आपका दिल हमेशा ऐसा भक्ति की तरफ लगे, गीता की तरफ लगे, और लोगों को गीता पढ़ने की प्रेरणा दें। मैं चाहूँगा कि दूसरी बार जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे अधिक लोग ऐसे मिलें जो पूरी गीता सुना दें, वो मेरे हृदय होंगे और भगवान को वो प्यारे लगते हैं बहुत, तो मुझे तो लग नहीं है। अच्छा, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दो बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आज किसी के आँखों के अंदर पानी नहीं आना चाहिए, लोटा पानी का भर के रखो, और जब मैं चलूँ तो पानी लोटे में से उछाल सकते हो, मुँह भर नहीं मिले रास्ते में। हाँ, रास्ते में पानी उछाल सकते हो तो पानी को हमेशा पार करेंगे, जैसे जैसे भवसागर से लोग पार करते हैं, वो भवसागर को पार करके चले जाएंगे। ये एक बात आपको कहनी थी। आँखों में पास कोई नहीं मिला हुआ आँखों, क्यों वो अपशकुन होता, वो अच्छा मुंह नहीं है, अच्छा लक्षण नहीं है, तो आँखों में कोई बन, जिसकी आँखों में बन आता आता हो वो अभी से उठ के बाहर चले जाए, और यहाँ रहे वो आँखों में पानी न लावे, हंसती हुई नेत्र हो, हंसती हुई आँखें हो, बस उसे शगुन अच्छा रहेगा। दूसरी बात मुझे ये आपको कहनी थी कि जिस समय ये वो बात हमने करी थी तो आज ही रह गई, अभी पूरी तो वो होगी नहीं, फिर भी कुछ हिस्सा मैं कहूँगा कि जब मैं कश्मीर गया था तो एक छोटा सा कमरा था, इससे भी आधा था, उसमें मास्टर साहब बैठे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, और एक कुर्सी पर बैठे हाथ में पैंच लिए हुए, बैठने के लिए जगह मेरे भी नहीं थी, मैं खड़ा हो गया। उन दिनों में खड़ा हो सकता था, चल सकता था, आज पीछे पे। तो अब वो मास्टर साहब से बच्चों ने पूछा कि ये श्रीनगर कहाँ है, उन्होंने लकड़ी से बता दिया, वो देखो श्रीनगर, सबने देख लिया श्रीनगर देख लिया। फिर उसने देखा, बच्चों ने ये पूछा कि श्रीनगर तो हमने देख लिया, कराची कहाँ है, उन्होंने बैठे बैठे बता दिया, वो देखो कराची, नीचे को नीचे थोड़ी कराची देख ली, बोला कलकत्ता कहाँ है, लकड़ी से कहा कि ठीक इसके सामने पूरब में कलकत्ता है, तो कराची के पूर्व में कलकत्ता था। उसने कहा मद्रास कहाँ है, बच्चों ने पूछा, बोला कलकत्ता के दक्षिण में झील चले जाओ, वहाँ से ट्रेन जाती है, वहाँ कलकत्ता पहुँच जाओगे, कलकत्ता बता दिया। फिर बच्चों ने पूछा मद्रास कहाँ है, बोला मद्रास और दक्षिण में कलकत्ता के, तो मद्रास दिखा दिया। मास्टर साहब ने बच्चों को सब दिखा दिया, रूस कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, लंदन कहाँ है, सब दिखा दिया। और अंदर बैठे बैठे भी, और जगह कमरे में इतनी थी कि दो भैंसें खड़ी हो सके, और मास्टर साहब ने वहाँ बैठे बैठे सब दिखा दिए थे। मैंने पूछा मास्टर साहब से, मास्टर साहब आपने ये सब दिखा दिया, आपने इसमें से कौन कौन सा शहर देखा है, कराची देखी, कलकत्ता देखा, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं देखा। हाथ जोड़ के कहा स्वामी जी महाराज सच्ची बात तो ये है, मैंने आज तक जिंदगी में रेलगाड़ी भी नहीं देखी, मैं श्रीनगर से आगे कश्मीर से नीचे कभी गया ही नहीं, मैंने रेलगाड़ी भी नहीं देखी, आप ऐसा आशीर्वाद दो तो आपकी कृपा से शायद मैं किसी दिन रेलगाड़ी तो देख लूँगा। वो रेलगाड़ी खुद ने देखी नहीं, और बच्चों को कलकत्ता दिल्ली और सब दिखा दिया। बड़ा ये है
जब कृपा हो जाती है भगवान की। लेकिन मास्टर साहब ने जो बताया वो गलत था कि सही? गलत तो यूँ था कि वो सही था नहीं, और सही इसलिए था कि उसी दिशा में वो ठीक अगर वो जाएगा तो वो वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि कलकत्ता जो है वो इसके पूरब में है कराची के, और मद्रास कलकत्ता के दक्षिण में है। तो इस प्रकार ये दिशाएँ ठीक थी। यहाँ जब सत्संग हुआ, यहाँ सत्संग में बड़े आनंद की बातें हुई। ये रोज अपने राव साहब और वो गोपाल जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे थे। मुझे भी कहा योगी का बता दो, मैंने भी योगी का बता दिया, और ये भी नहीं बताया, मैंने ये भी बता दिया ब्रह्म क्या है, अक्षरम ब्रह्म परमम, अध्यात्म क्या है स्वभावो अध्यात्म भूत मुझे थे, कर्म क्या है भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, ये सब मैंने ऐसे ही बताया आपको जैसे मास्टर साहब ने बच्चों को वो सब कराची कलकत्ता पर सब बता दिया। सच भी था झूठ भी था उसी, तो मैंने आपको बताया वो झूठ भी था क्योंकि कागज पर बताया, और सच इसलिए है कि आप मेरे साथ चलो। मास्टर साहब ने कहा कि अगर मेरे साथ चले कलकत्ता मेरा भी टिकट ले ले, अपना भी ले ले, मैं भी देख लूँगा, इनको भी दिखा दूँगा। आप ऐसा करो कि आप मेरे साथ चलो और आप भी ब्रह्म को देख लेना, आप भी योगी बन जाना, मैं भी योगी बन जाऊँगा, हम और आप दोनों एक हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये आप दो को देख लो, आप क्योंकि टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा है, कुछ घंटी बजी कि नहीं बजी? अभी नहीं बजी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ये सब बता दिया। वो झूठ भी है और सच भी है, आप देखना चाहते हो तो मेरे साथ चले चलो, पर मुझे पता है आप अभी नहीं चलो, आप मुझे कहोगे अभी स्वामी ठहर जाओ थोड़े दिन बाकी है, वो तुम्हारे बाकी दिन पूरे होंगे तब तुम देखोगे, अभी तुम्हारे दिन बाकी है। और वैसे मेरे साथ चलोगे तो मैं दिखा तो मैं दूंगा आपको, और सच्चा नक्शा सच्चा है, नक्शे में सब दिखाया आपको। तो यहाँ आकर जो अपना दमादम क्या दमादम मस्त कलंदर हरी का पहला नंबर नंबर मेरा पहला ही है, तो आप इसीलिए आपने मुझे ऊपर बिठा दिया, आप नीचे बैठ गए। तो मुझे ऊपर किसने बिठाया बताओ? आपने है? आपने मुझे ऊपर बिठाया है, तो आप जिसको चाहो ऊपर बिठा सकते हो, आप बाकी जितने ही हैं इनमें से जिसको चाहो आप ऊपर बिठा सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में ऊपर बिठाना आप जानते हो, ये आपके हाथ में है ऊपर किसको बिठाना चाहिए, कब बिठाना चाहिए। और ये सब गीता के अध्याय याद कर लेंगे तो दूसरी बार आऊँगा मैं, अध्याय सबके मुँह से सुनूँगा। एक अध्याय रोज याद करें, 18 अध्याय 18 दिन के अंदर 18 ही रहे पूरी गीता याद हो जाएगी, फिर दमादम मस्त कलंदर आपका ठीक होगा सही होगा, फिर हरी का पहला नंबर होगा या आखिरी नंबर होगा वो आप बता देंगे सबको, और मैं समझूंगा क्या सब जब गीता पढ़ लेंगे तो पहला नंबर हरी का हो जाया है। बहुत अच्छी बात है, ये मैंने आपको आज बात कही है। अभी वो मास्टर साहब एक कमरे के अंदर बैठे बैठे उसको कलकत्ता कराची सब दिखा दिया, रूस भी दिखा दिया, इंग्लैंड भी दिखा दिया, पर वो कहते हैं मुझे ले जाएंगे तो मैं अच्छा दिखा दूंगा, सही दिखा दूंगा, अभी गलत है। मैं ही वो मास्टर साहब की तरह श्रीनगर के मास्टर साहब की तरह, वो कहता है मैंने जिंदगी में तो मैंने तो रेलगाड़ी नहीं देखी, क्यों कि श्रीनगर से आगे गया नहीं कभी, श्रीनगर से आगे जावे तो रेलगाड़ी देखे, और श्रीनगर रेलगाड़ी चलती नहीं है। तो सज्जनों ये सब मैंने आज आपको बात करी थोड़े के अंदर, मैंने इसी तरह से आपको गीता बताई, आप पढ़ाई, वो सच भी है और झूठ भी है।
जय बुलवादो बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, उसमें दो काम और होंगे। एक हमारे प्रेसिडेंट एक छोटा सा स्पीच देंगे स्वामी जी के लिए मिनट को, एंड उसके बाद हमारे मिसेस गर्ग, उन्होंने एक छोटी सी प्रेजेंट पेंट करनी है उनको, उसके लिए जिन्होंने पूरी गीता याद की है। तो ये काम जो है गुरु माता को बहुत चिंता है आपको।